हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारे चैनल पे हर एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन आपको बड़ी ही इजी वे में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया जाता है। क्वेश्चन 11 11 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपान के x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे सवालों का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका बटे x² कर देते हैं। तो x³ अपान के x² dx प्लस इंटीग्रेशन 5x² अपान के x² dx और माइनस इंटीग्रेशन 4 अपान के x² dx कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से दो पावर से यहां पे दो पावर कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा बस x dx प्लस, अब यहां से इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 5 को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा बस, और यहां से माइनस 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहां से बचेगा 1 अपान के x² dx। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा और चलते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन dx माइनस 4 इंटीग्रेशन, और x² को जब ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। आप इसको जानते हैं कि जब एक 1 अपान के x² है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन पता है कि पावर में 1 जोड़ते हैं नीचे 1 प्लस 5 है, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा, माइनस 4 है और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे माइनस 2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c लगा देते हैं। अब यहां से हमको मिलेगा x² अपान के 2 प्लस 5x मिलेगा, और यहां से माइनस 4 और 2 में से 1 जाएगा, x के पावर कितना होगा तो माइनस 1 होगा, और अपान के 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 होगा और प्लस c। इसके बाद अब ये x² अपान 2 प्लस 5x और माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस 4 x के पावर माइनस 1। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं नीचे बटा में 1, माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गया है प्लस सी। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से x² अपान 2 हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा प्लस 4 और माइनस x के पावर माइनस 1 है, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये पावर लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 4 अपान के x हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 नंबर है इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 अपान के अंडर रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे सवालों का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबका बटे अंडर रूट एक्स कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन x³ अपान के अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3x अपान के अंडर रूट एक्स dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 4 अपान के अंडर रूट एक्स dx कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे इंटीग्रेशन x³ अपान के
अंडर रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस 3 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन एक्स अपान के एक्स के पावर अंडर रूट 2 को 1/2 डी एक्स, 4 को भी बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपान के अंडर रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन यहां से हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स के पावर 3 है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/2 हो जाएगा डी एक्स और प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स है कुछ नहीं तो यहां पे 1 पावर है, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा डी एक्स प्लस यहां से 4 और एक्स के पावर 1/2 है ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर -1/2 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब है अपान एक्स के पावर 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब और ये जब पावर है ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए -1/2 यहाँ पे एक्स क्यूब -1/2 किया गया, इसी तरह से इसको किया गया है और इसको बस ऊपर ले करके गए हैं तो -1/2 डी एक्स हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन एक्स के पावर, अब 2 3 जा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5/2 हो जाएगा डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 तो एक्स के पावर 1/2 डी एक्स और प्लस 4 है इंटीग्रेशन एक्स के पावर -1/2 डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि पावर में 1 जोड़ते हैं और इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां पे कर रहे हैं तो पावर में 1 जोड़ते हैं, नीचे भी पावर में 1 जोड़ते हैं, प्लस 3 है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे, नीचे भी पावर में हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस 4 इंटू इसमें भी पावर में हम 1 जोड़ेंगे और नीचे -1/2 + 1 पावर में 1 जोड़ेंगे और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स के पावर 2 एकम 2 और 5 7/2 हो जाएगा और नीचे भी 7/2 हो जाएगा, प्लस 3 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा 2/2 और बटा के ये भी 3/2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा 2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस सी। अब ये जो है बटा का बटा है, यानी एक्स के पावर 7/2 बटे में 7/2, तो ये जो है नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा एक्स के पावर 7/2 प्लस, ये भी बटे का बटा है तो ये ऊपर जाएगा तो यहां से हो जाएगा 3 × 2/3 एक्स के पावर 3/2 और प्लस 4 इंटू ये भी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 × 2/1 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 2/7 एक्स के पावर 7/2 बचेगा प्लस
प्लस यहां से बचेगा टू एक्स के पावर 3/2 और प्लस 4 2 8 हो जाएगा और एक्स के पावर 1/2 है तो अंडर रूट एक्स को हमने एक्स के पावर 1/2 लिखा है तो 1/2 है एक्स के पावर 1/2 तो इसको अंडर रूट एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो 4 2 के 8 हो गया और इसको हम लिख देंगे अंडर रूट एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो गया।